राजस्थान में सियासी घमासान के बीच सन 1997 और 98 में कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष रह चुके और सचिन पायलट की कार्यकारिणी से जिला महामंत्री के पद पर रह चुके गरसिंहपुर निवासी गुरजीत सिंह हुंदल ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इसके साथ ही गंगानगर जिले भर में भाजपा कांग्रेस की कुनीतियों के कारण दोनों मुख्य पार्टियों से मुक्ति होकर युवाओं का झुकाव अब आम आदमी पार्टी की तरफ होने लगा है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नितेश शर्मा व विधानसभा उपाध्यक्ष प्रेम शर्मा के नेतृत्व में दो लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। गरसिंहपुर निवासी गुरजीत सिंह हुंदल व जगजीत सिंह पार्टी की ज्वाइनिंग की है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों का माला पहनाकर स्वागत किया है। आपको बता दें कि 28 जून को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई। उप जिला अध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि 28 जून को जिला मुख्यालय पर पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती दरों को लेकर देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। साथ ही बढ़ती महंगाई के विरोध में अनोखे अंदाज में जन आक्रोश रोष मार्च भी निकाला जाएगा। जय हिंद। कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर और जो इनकी गलत नीतियों हैं, कांग्रेस को आज मैं छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। राजस्थान में जो पेट्रोल डीजल पर बैट है, बैट खत्म होना चाहिए। 32 रुपये राज्य सरकार का टैक्स पड़ता है और सेंटर का अलग से टैक्स पड़ता है। और किसानों पर जो अब खाद पर इन्होंने सब्सिडी दी है, वो भी ऐसे होगा जैसे पहले सिलेंडर पर सब्सिडी दी थी, बाद में खुर्द-बुर्द कर देगी, वैसे ही किसानों के साथ होगा। और आम आदमी पार्टी में हमें आगे का भविष्य दिख रहा है, इस कारण आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और कल को हम विज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को। गरसिंहपुर आम आदमी पार्टी में आज बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। 1997-98 में कांग्रेस सेवा दल से नगर अध्यक्ष रह चुके और सचिन पायलट की पिछली कार्यकारिणी में जिला महामंत्री रह चुके और पिछली विधानसभा में कांग्रेस सेवा दल से राजनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रह चुके गुरजीत सिंह हुंदल ने आज कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अब पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए कल 28 तारीख को गंगानगर में एक रोष मार्च निकाला जाएगा, जिसमें कारों को और जीपों को ऊंट गाड़ियों के पीछे घसीटते हुए ले जाया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा।